ऐसा पौधा जिसकी बिल्कुल हमें केयर ना करनी पड़े लगाएं और वो फूल देना शुरू कर दे। इसका जो चेंज का पौधा है आपको 50 रुपए का मिल जाएगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ 4-4.5 फुट का पौधा तो वो आपको मिल जाएगा अंदाजन, सारे लोग इसको पहचानते हैं, ये बहुत कॉमन है रोड साइड्स पे और ग्रीन बेल्ट्स पे आप इसको देखते रहते होंगे। एक ही असूल याद रखें, आपने इसकी केयर नहीं करनी। तो आप भी ऐसे इंसान बने जिसको केयर कम मिले, पानी कम मिले और प्रिविलेजेस और जो आपको सहूलतें हैं वो कम मिलें, तो ज़्यादा ब्लॉसम करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। अगर आप थोड़े से सुस्त तबीयत के मालिक हैं, थोड़ी सी आप केयर कम करना चाहते हैं पौधों की और फिर भी चाहते हैं कि पौधे घर में रखें और फूल भी बहुत ज़्यादा दें और ऐसा पौधा जिसकी बिल्कुल हमें केयर ना करनी पड़े लगाएं और वो फूल देना शुरू कर दे, फूल देता रहे, तो ये पौधा आपके लिए, अगर आप ऐसी तबीयत के मालिक हैं तो। इसको कहते हैं जी बुगनवेला, जिस तरह आप क्लोजअप में देख रहे हैं इतने खूबसूरत फूल हैं, बुगनवेलिया भी बोलते हैं, बुगनवेला भी बोलते हैं, जो भी इसको आप प्रोनाउंस करना चाहें या लोकल नेम आपका जो भी हो, सारे लोग इसको पहचानते हैं, ये बहुत कॉमन है रोड साइड्स पे और ग्रीन बेल्ट्स पे आप इसको देखते रहते होंगे और कोई ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जिस तरह हमारे यहाँ कुछ रोड्स के साइडों पे लंबी लाइन लगाई होती है, एयरपोर्ट के पास जो नीचे अंडर पास है उसके साइडों पे आपने देखा होगा कि दोनों साइड पे ये ऐसे नीचे को ट्रेल कर रही है और इतना खूबसूरत एवेन्यू क्रिएट करती है। या आप ज़िम्मेदार हैं, किसान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो डेरे पे रास्ता जाता है तो उसके साइडों पे ऐसी कोई बेल लगा दें जो कि बहुत ज़्यादा फूल दे और उसकी केयर ना करनी पड़े, यानी कि माली इन्वॉल्व ना हो, तो ये पौधा आप लगा सकते हैं। अब इसके बहुत ज़्यादा फूल लेने की ख्वाहिश मेरे भी दिल में रहती है और यकीनन आपके दिल में भी होगी और होनी भी चाहिए, दैट्स क्वाइट लॉजिकल। मज़े की बात यह है कि आप इसके बहुत ज़्यादा फूल देने के लिए एक ही असूल याद रखें, आपने इसकी केयर नहीं करनी। हमारे यहाँ केयर करने का मतलब पानी देना होता है और इस पौधे को पानी की शदीद कम ज़रूरत होती है, समझ आ गई। अब इसके लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि गमले में मिट्टी तकरीबन इतनी है कि उसके अंदर पानी नहीं खड़ा हो सकता, प्लस ये कि इसका गमला थोड़ा सा टेढ़ा है और पानी जो बारिश का भी आता है वो बह जाता है, गमले के अंदर नहीं खड़ा होता, यही इसके ज़्यादा फूल लगने की सक्सेस है। आपने यही काम करना है कि गमला आप टेढ़ा ना भी करें, गमला सीधा रखें लेकिन उसके अंदर मिट्टी इतनी भर दें कि पानी की गुंजाइश ना हो। जितना कम इसको पानी देंगे उतने ही ज़्यादा ये फूल देगा। ये वो पौधा है जो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा फूल देता है, ठीक हो गया। और बेटा इधर आएँ, इधर आएँ, जल्दी से इधर आएँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हो? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। ये कैसा फूल? ये बहुत अच्छा फूल है। इसका नाम आता है? नहीं। इसको कहते हैं बुगनवेलिया। क्या कहते हैं? बुगनवेलिया। अच्छा है, चलें शाबाश जाओ। ओके जी, जब बच्चा बॉल खेल रहा था तो यहाँ आया तो मैंने कहा बच्चे को भी शामिल कर लेते हैं। ओके जी, ऐसा करना है आपने कि इसका पौधा कोशिश करें कि 4-4.5 फुट का पौधा ग्रोन बाज़ार से लेकर आएँ। इसका जो चेंज का पौधा है आपको 50 रुपए का मिल जाएगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ 4-4.5 फुट का पौधा तो वो आपको मिल जाएगा अंदाजन कोई 300 रुपए का, 350 रुपए का। तो जब आप ग्रोन पौधा लेकर आएंगे तो उस पर फ्लारिंग जल्दी होगी, जल्दी फूल उसके ऊपर आएंगे और आपको फूल जल्दी देखने को मिलेंगे। कब लगाना है? अभी बरसात का मौसम शुरू है और अभी मौसम गर्म चल रहा है, बरसात भी स्टार्ट है, तो अभी एक हफ़्ता अगर आप रुक जाएं और इसके पौधे, नए पौधे जब भी आपने लाने हैं या जो भी लाने हैं वो एक हफ़्ता और ठहर जाएँ ताकि ये जो एकदम से फ्लक्चुएट होता है टेम्परेचर वो ना हो, तो पौधा ला के घर पे लगाएं तो स्टेबल हो जाएगा। आपने इसको अगर आप बेड्स में लगाते हैं, क्यारियों में लगाते हैं, तो कोशिश करें कि रेस्ट बेड में लगाएं जहाँ पानी बारिश का ज़्यादा ना रुके या बाकी पौधों के साथ इसको ज़्यादा पानी ना मिले। अगर आपने क्यारी में इसको लगाना है तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर इसको ऊंची क्यारी हो, यानी कि बारिश का पानी भी ज़्यादा ना ठहरे और बाकी पौधे ऐसे जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनके साथ आपको इसको नहीं लगाना ताकि इसको ज़्यादा पानी ना मिले। दूसरा, इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है, पूरी धूप सारा दिन, ऐसी जगह रखें जहाँ पूरा दिन धूप पड़ती है। ये बिल्कुल एक रोड साइड पे पड़ा हुआ है और देखा आपने गमले में है, बेहतरीन फूल दे रहा है, यहाँ पूरा सारा दिन धूप लगती है,
इधर से सूरज चढ़ता है और इस साइड पे, ये मेरे लेफ्ट साइड पे मशरक है और इधर मगरब है, तो इस तरफ से ये बेहतरीन इसको धूप मिलती है। तो पूरी धूप इसको चाहिए, पानी कम से कम चाहिए, ड्राउट टॉलरेंट यानी कि कहत को पसंद करते हैं ये पौधे, तो और अपने आप को ज़्यादा फूल देते हैं। ये पौधों की एक साइंस जो मुझे समझ आती है कि वो पौधे जो बिल्कुल स्ट्रेस में, जो उनको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मिलती है यानी कि पानी की कमी, जो आपकी केयर की कमी, तो वो फूल ज़्यादा खिलाते हैं। तो आप भी ऐसे इंसान बने जिसको केयर कम मिले, पानी कम मिले और प्रिविलेजेस और जो आपको सहूलतें हैं वो कम मिलें, तो ज़्यादा ब्लॉसम करें। तो पौधों की ये बहुत अच्छी खसूसियत है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। दोबारा नाम याद रखें, बुगनवेला या बुगनवेलिया। लगाने की एक ही तरकीब है, अच्छे मौसम में लगाएं, फरवरी मार्च में ख़रीदें या अगस्त सितंबर में लें, घर पे लाएं, पानी कम से कम दें, ऊंची जगह पे लगाएं और पानी बहुत कम देना आपने, कम से कम 2 महीने बाद इसको आप पानी दें। ये पौधा पानी से नहीं मरता। ऐसे पौधे जो पानी से नहीं मरते, कम पानी की वजह से, उनके अंदर ये खसूसियत होती है मुझे लगता है कि वो नमी से भी, हवा की नमी से भी पानी अपना पूरा कर लेते हैं। तो लिहाजा इसको आपने कम पानी देना है, कम केयर करनी है, इट विल ब्लॉसम मोर। अपने ख्याल रखें और इन फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। हैप्पी गार्डनिंग।